वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, मैं वागीशा एंड आज हम देखने वाले हैं मॉल, जो बर्मिंघम सिटी सेंटर के अंदर एक मॉल है, वो बहुत बड़ा मॉल है और आज हम उसको अंदर से जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं। वो काफ़ी बड़ा है, मतलब नंबर ऑफ शॉप्स और नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे आपको मिलेंगे, कि बहुत भीड़ नहीं होती यूजुअली, सैटरडे संडे रहता है क्राउडी, बट उसके ज़्यादा नहीं। उससे और उसके जो अंडरग्राउंड है, मतलब जो नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे रेलवे स्टेशन है काफ़ी बड़ा। तो आज हम देखने वाले हैं मॉल, सो गेट रेडी। और मैं तो हो चुकी हूँ जैसे ऑलमोस्ट रेडी, तो अभी हम चलते हैं, लेट्स गो। मौसम ख़राब है बट लेट्स गो, कोई नहीं, हम देख लेंगे। सो तब तक चलते हैं, लेट्स गो, मॉल में मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मार्केट पहुंच चुकी हूँ और मार्केट के बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ही ये मॉल है। और मैं अभी बस स्टॉप से बिल्कुल ही थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस के बिल्कुल सामने ही मार्केट स्टार्ट हो जाती है। और अभी हम आ चुके हैं मार्केट में और मुझे यहाँ से सामने से वो मॉल दिख रहा है। तो अभी पहले हम यहाँ से लुक देखेंगे पूरा मार्केट का, फिर आगे हम चलते हैं मॉल की तरफ। गाइज ये देखो, ये पूरा मार्केट है, जिम, फूड ट्रक, काफी सारी शॉप्स हैं यहाँ। ये प्राइमार्क काफी बड़ा है, ये भी मॉल टाइप ही है, विशाल मेगा मार्ट है ना जैसे अपने इंडिया में, वैसे ही यहाँ पे प्राइमार्क है, काफी बड़ा है, बिगेस्ट प्राइमार्क है। और ये है थ्री गाइज, यहाँ पे मिलेगा एप्पल 13 प्रो मैक्स, चलो चलते लेने, मुझे चाहिए यार। तो ये है और अभी हम जाने वाले हैं मॉल की तरफ, मॉल के अंदर, सो लेट्स गो। मैं आ चुकी हूँ मॉल के पीछे, आप देख रहे हो दो साइड से एंट्री होती है, एक यहाँ से बिल्कुल मेरे एग्जैक्ट मेरे पीछे और एक इस साइड से। और ये बहुत फेमस है यहाँ पे, बुल रिंग आपको दिखेगा वहाँ पे, भी पास जाएंगे तब आपको बहुत बड़ा बुल दिखेगा, तो दैट्स वाई ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे, इसको बुल रिंग बोलते हैं। और ये मॉल के बिल्कुल सामने है, तो अभी हम अंदर जाने वाले हैं। आज काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है क्योंकि अभी ईस्टर ब्रेक चल रहा है, तो सब बच्चों की छुट्टी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे आज अपना एंजॉय करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं अंदर जाके कितनी भीड़ है, तो अंदर जाके ही मज़ा आएगा। चलो थोड़ा क्राउड ही होगा तो मज़ा भी आएगा, तो लेट्स गो इनसाइड। ये बुलरिंग है, ये बेसिकली अपार्टमेंट है पर ये फेमस बहुत है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट मॉल के बाहर है। ये रहा बुल, और काफी गुस्से में नजर आ रहा है, कोई नहीं, चलो इसको छोड़ के हम चलते हैं अंदर। लेट्स गो इनसाइड द मॉल। और आज मजा भी आएगा क्योंकि भीड़ में ही मजा आता है यार मॉल और ये सब देखने में। और जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीडे चल रही है, मेरी भी चल रही है, तो इसीलिए अब हम प्लान कर रही हूँ मैं कि ईस्टर में कहीं जाऊँ डिफरेंट सिटी में, तो वहाँ का ब्लॉग जरूर शूट करूँ। सो देखते हैं, होप सो जल्दी फुलफिल होगा ये ड्रीम भी, जस्ट बिकॉज फॉर यू गाइज, तो आप बने रहो बस। अब तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग एंट्रेंस मैंने ले ली एंट्री, देखते हैं। फ्रेंड्स मेरा फेवरेट शोरूम आ गया, रोलेक्स, काफ़ी एक्सपेंसिव है बट मेरा फेवरेट है, मुझे चाहिए इसकी घड़ी भी चाहिए, तो अभी तो पॉसिबल है नहीं बट फिर कभी, देखो ये भी हो ड्रीम फुलफिल, देखते हैं लेट्स सी। ये देखो एक परफ्यूम की शॉप है और ये बहुत ही वंडरफुल परफ्यूम्स है और बहुत ही सुंदर, और मतलब इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे यहाँ तक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अंदर, अभी हम देखते हैं यहाँ से भी। ये देखो ओह, क्रिएटिव सेंटर भी है बच्चों के लिए,
क्रिएटिव सिटी। ओ क्रिएटिव सिटी हमें तो पता ही नहीं था, काफी जरूरी है, देखते हैं आके जब आगे चलते हैं। गाइस ये देखो पास से, और जो क्या है कि बर्मिंघम को वैसे बेसिकली ब्रम भी बोलते हैं, तो मिनी शॉर्ट फॉर्म मिनी व्हाट क्या बोलती हूँ यार मैं, और मिनी ब्रम बोलते हैं, और जो कि यहाँ के पीपल हैं जो कि हु आर लिविंग इन बर्मिंघम उनको हम ब्रमी बोलते हैं, तो हेलो ब्रमी। तो ये सब इस सिटी के बारे में ही बताया हुआ है और डिज़ाइन कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है इसमें कि द क्रिएटिव सिटी, दिख रही है हमें क्रिएटिव सिटी, क्योंकि अभी हमने ये सिटी को एक्सप्लोर किया नहीं है, करना बाकी है। आज अभी हम मॉल आए थे तो अभी हम मॉल देख रहे थे, तो अभी तो काफ़ी बड़ा है, अभी तो मैंने जस्ट फर्स्ट फ्लोर ही कवर नहीं किया, तो अभी तो बहुत चलना पड़ेगा, डोंट वरी, अभी तो बहुत सारी शॉप है, बहुत बड़ा है ये, बहुत टाइम लग जाएगा इसको कवर करने में, बट फिर भी करेंगे, क्योंकि अभी तो ईस्टर है, हमारे पास उसका काम भी नहीं है, तो हम फुल फोकस करेंगे घूमने के ऊपर, तो देखते हैं, क्योंकि असाइनमेंट तो हो जाएंगी इस दिन के बाद, पर फिर भी घूमना ज़रूरी है तो वो घूमेंगे पहले, तो लेट्स गो डाउन स्टेयर्स चलते हैं क्या है यहाँ, तो पता चल गया कि ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सिटी का, तो लेट्स गो डाउन स्टेयर्स। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी जगह से इंटरलिंक्ड भी है, तो अभी मैं इंटरलिंक के पार्ट पे ही हूँ, ये देखो आप देख सकते हो ये पीछे ये भी वॉल है, अभी अभी वहीं जाएंगे कि इंटरलिंक है, कनेक्शन हो रहा है, तो अभी हम दूसरी जगह जाते हैं वहाँ पे क्या है क्या नहीं, पहले उससे पहले हम यहाँ पे रुक के थोड़ा व्यू देख लेते हैं, बुल रिंग ग्रैंड मॉल, गाइस वो भी एक मॉल का पार्ट है, चलेंगे वहाँ पे, वहाँ जाएंगे, उनको देखो लिखा होगा ना बोल रही ग्रैंड सेंट्रल बॉम्बे, लेट्स गो वहाँ चलते हैं। ये जहाँ हम इंटरलिंक वाले पार्ट में जा रहे थे ये वो है, एक ही है ये मॉल, कनेक्टेड है बस, ये शॉप्स है, आई मीन शोरूम्स, शोरूम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। दिस इज चाइनीज किचन रेस्टोरेंट, दिस इज कोस्ता, वहाँ थाई है, थाई एक्सप्रेस, और वो है फ्यूल मतलब जूस कॉर्नर, और ये नैंडोस, ये फेवरेट मतलब मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है, एक्सपेंसिव टू बट मैंने सुना है कि बहुत फेमस है, तो कभी इसके अंदर भी चलेंगे बट नॉट नाउ, अभी हमें मॉल के ऊपर फोकस करना है। अनिश रेस्टोरेंट आ गया पीछे, ये नेल और ब्यूटी आर्ट, मुझे लगता है कि मेरा भी मन कर रहा है यार, मुझे भी नेल आर्ट्स करा लेनी चाहिए, नाइस, बहुत ही बहुत, कई बार तो बहुत सुंदर सुंदर होती हैं नेल आर्ट्स, मन कर रहा है। ये है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, जहाँ पे आपको आइसक्रीम, डेजर्ट, पेस्ट्री, मतलब सब कन्फेक्शनरी का मिलेगा, देखो कितने डिलीशियस लग रहे हैं, यू कैन सी केक पेस्ट्री लवली गाइस, बहुत टेस्टी है, और ये मेरा फेवरेट है, ये पर्सेस है यहाँ पे लास्ट में, एक्सेसरीज और पर्स, बहुत सुंदर पर्सेस है, नाइस, मेरा फेवरेट है। और आगे एक रोज की शॉप है, इतने प्यारे रोज, रोजेस की तरह, नो डाउट, इसमें मैं आपसे नहीं पूछू बिकॉज आई एम, सो अभी मैं आपको बता रही थी कि इस मॉल के नीचे वो है रेलवे स्टेशन, तो अभी हम यहाँ से ऊपर से वो चीज देखने वाले हैं है, और वहाँ पे देखना आप लगेगा ही नहीं वो रेलवे स्टेशन है, वही तो, यही तो खासियत है यहाँ की,
कि लगता नहीं है। देखना मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगी, यू विल बी मैड। ये देखो रेलवे स्टेशन गाइस, ये रेलवे स्टेशन है। इतनी शॉप तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होती जितनी यहाँ के रेलवे स्टेशन में है। देखो लग रहा है किसी भी एंगल से रेलवे स्टेशन नहीं लग रहा, और ऊपर मॉल है, मौज ही मौज है। आपने देखा कि काफी सारी है वैरायटी यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे काफी सारी वैरायटी है। अभी हमने अब रास्ते मारे थे तब हमने स्पेनिश देखा, थाई देखा, अभी भी साबुन देख रहा है, ये वियतनाम, वियतनामी स्ट्रीट फूड है। तो मतलब तो काफी सारी वैरायटी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इस सिटी में जो है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन है पीपल, जो कि काफी काफी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से है। तो उन सब के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी मिस करोगे यहाँ पे, कुछ भी स्ट्रीट फूड ऐसा, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो इंडियन फूड भी इतना मिस नहीं करती। हाँ थोड़ा बहुत टेस्ट में ऊपर नीचे हो सकता है, बट मिस डेफिनेटली नहीं करोगे, काम चल जाएगा यार, वो है बात है, काम में ही चला रही हूँ मैं भी। बट सोगो रोड है वहाँ पे नहीं जाता है, काफ़ी काफ़ी है, मतलब टेस्ट मैच कर लेता है थोड़ा थोड़ा, तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। तो देखते हैं आगे चलते हैं क्या है। गाइज ये हम पहुंच चुके हैं, ये इसकी एग्जिट है, ये रेलवे स्टेशन के अंदर से इसकी एग्जिट होती है, और काफी सारी एंट्री एग्जिट है तो पता ही नहीं चलता कब कहाँ निकल जाते हो। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, और आप उससे पहले का व्यू देखो पीछे, ये हॉलीडे इन और ये सब है। तो ये बिल्कुल सिटी के बीच में है, आप बिल्कुल सिटी मतलब मैक्सिमम सिटी का आप इस साइड से एग्जिट लोगे तो आप कहीं डिफरेंट जगह पहुंचोगे, वहां पे डिफरेंट, तो आप यू कैन से आप इसको पैसेज भी यूज कर सकते हो। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है लाइक सीरियसली, और काफी सारी शॉप्स हैं। चलो अभी देख